जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन ऑनलाइन पेड क्लासेस। आप सभी का स्वागत है विजयपथ एजुकेशन की पेड क्लासेस में। आज हम सीरीज की क्लास 4 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम मिक्स सीरीज के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मिक्स सीरीज क्या है? मैंने अभी तक आपको जो है वो नंबर सीरीज जो है वो आपको करवा दी है, उसके साथ में मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज जो है वो भी मैंने आपको करवा दी है। अब जो हमारे पास मिक्स सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम नंबर के साथ साथ जो है अल्फाबेट को भी साथ में कंटिन्यू करेंगे, उस सीरीज को कहते हैं हम मिक्स सीरीज। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है वो आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबर को नंबर के साथ कंपैरिजन करना है और अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ कंपैरिजन करना है। नीचे मैंने ए से लेके जेड तक जो है वो आपके लिए एक हिंट दे दिया है अल्फाबेट के लिए, ताकि आपकी कोई गलती जो है वो यहाँ पे ना हो। जो हमारे पैटर्न थे ए से लेके जेड तक लिखने के, वो मैंने आपको पिछली ही क्लास में पहले ही बता दिए थे। टोटल 3 पैटर्न जो है वो हमारे रहते हैं ए को जेड तक लिखने के लिए। तो पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखें, काफी इजी सा क्वेश्चन मैंने लिखा है। ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो अगला क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है जी। प्लस 1 का गैप चला है, यहां पे है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तो 5, तो आंसर क्या आ गया? E5। E5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका इजी है, लेकिन जो आपके ऑप्शन है, कई बार हम गलती से क्या करते हैं, सारे के सारे ऑप्शन जब आप ध्यान से देखेंगे एक ही जैसे देखने में लग रहे हैं। जब आप इसको लगातार 10 सेकंड तक देखते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। सारे के सारे ऑप्शन जो आपको इजी है तो है इजी, लेकिन देखने से आपकी आंखों के सामने जो है वो सेम टू सेम ही लगेंगे, तो कई बार जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन ए या सी या डी को ही टिक कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बताना है आपको यहाँ पे 5i 7j 11l 17o और उसके आगे है गैप, क्या हमारा राइट आंसर रहेगा? तो नंबर को नंबर के साथ, तो 5 और 2 कितने? 7, 7 और 4 11, 11 और 6 कितने? 17। तो ये नंबर का पैटर्न तो हमें मिल गया, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो अगला क्या आएगा? प्लस 8, 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 17 और 8 हो जाएंगे 25, ठीक है। 25 वाले ऑप्शन कौन कौन है? ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए, इन दोनों में से ही होगा, लेकिन अल्फाबेट को देखना पड़ेगा। आई से जे तक जाए, आई से जे तक, आई के आगे आता है जे, प्लस 1 हमने कर लिया, ठीक है जी, प्लस 1 का पैटर्न चल पड़ा। फिर जे से एल, जे से गए एल तक, तो जे से पहले के फिर एल, कितना आगे गए? 2 आगे गए। एल से ओ तक जाना है, एल से ओ तक जाना है, तो पहले जाएंगे 1 फिर 2 फिर 3, तो प्लस के 3, तो पैटर्न मिल गया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो अगला ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्लस 4। ओ से 4 आगे गए, 1 2 3 और 4, तो क्या आ गया? एस, 25। एस ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके के आपके मिक्स प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसको आप ट्राई करें, क्या राइट आंसर रहेगा? 3 9 27 और अगला क्या आएगा? तो 3 गुणा 3 9 9 गुणा 3 27 और 27 गुणा 3 कितना? 81। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए से आएगा। अगला है ई से जी तक जाइए, ई से जाना है जी तक, तो कितना आगे गए? 1 और 2 2 आगे गए। फिर जी से आई तक जाना है, 1 और 2 2 ही आगे गए, तो ऊपर का पैटर्न आपको मिल गया, प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हैं, तो आई से 2 आगे जाएंगे, 1 और 2, तो क्या आएगा? के, 81 के आपका क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है 3t 3a 6x 6b 12r 12c, तो नंबर का तो देखने से पता चल गया 3 और 3, फिर 6 6, मतलब 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 12, 12 का डबल क्या आएगा? 24 आएगा।
ठीक है जी। यहाँ पे टी से ए तक के, ए से एस नहीं, तो फिर हमारा पैटर्न ही गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू को छोड़ दें, आप यहाँ पे वैल्यू को छोड़ कर ट्राई करें, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे निकलेगा। क्या आंसर होगा? इस तीन का कंपैरिजन किया इसके साथ, कितना आ गया? 6, 6 और 6 12, 12 और 12 कितने? 24। तो टी का करेंगे एस के साथ, टी का करेंगे एस के साथ, कितना पीछे गए? एक पीछे गए। एस का करेंगे आर के साथ, तो एस के पीछे क्या आता है? आर -1। तो आर के पीछे क्या आएगा? आर के पीछे आएगा क्यू, 24Q। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है यहां पर A1Z। यहां पे जो आपके पास सीरीज है वो थोड़ी सी अलग है। यहां पे एक सिली मिस्टेक है छोटी सी। यहां पे आपके पास 19 नहीं है, यहां पे है I9R। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अल्फाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर अल्फाबेट, नंबर, अल्फाबेट, तो यहाँ पे I9R होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास A1Z, इसका कंपैरिजन करना है E5V से, इसका कंपैरिजन करना है I9R से। फिर अगला देखेंगे, A का किया E से, कितना आगे गए? 1, 2, 3, 4, प्लस 4 चले गए। ई का करेंगे आई से, पहले 1, फिर 2, 3 और 4, इसमें भी 4 आगे गए, तो आई से भी कितना आगे जाएंगे? 4 ही आगे जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो क्या आ गया? पहले एम आ गया। एम वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास बी। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें बाकी किसी भी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ऑप्शन में एम हमें दिया होता तो फिर हम इसके आगे जो है वो चेक करें। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे 24 के दो ऑप्शन, सॉरी, सारे के सारे 24 के ऑप्शन दिए गए थे, तो हमें नंबर के साथ अल्फाबेट को चेक करना पड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहला ही हिंट मिल गया, एम है पहला अक्षर, किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी ऑप्शन को जरूर चेक नहीं है, जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास 9D8। ये तो देखने से इजी चल रहा है, 9, फिर 8, 7, 6, 5, तो अगला क्या आएगा? 4। ये भी देखने से ही पता चल गया, यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारा राइट आंसर रहेगा। अल्फाबेट को भी एक बार चेक कर लें, डी, ई, फिर एफ, फिर है जी, फिर है एच, तो अगला क्या आएगा? आई, 4I हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 17C21F25I29L। ये प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन को आप ट्राई करें साथ साथ में। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, 17 नंबर को देख लेते हैं पहले, क्या क्या नंबर दिए गए हैं, फिर अल्फाबेट को चेक करेंगे। 17 और 4 कितने? 21, 21 और 4 कितने? 25, 25 और 4 कितने? 29, तो 29 और 4 कितने हो जाएंगे? 33। ये भी राइट आंसर, डायरेक्ट आंसर दिया गया है 33O। नंबर को हमने चेक कर लिया, अल्फाबेट को चेक करते हैं कि आंसर रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार आपके एग्जामिनर ने
ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज दे दिया जाता है, तो इसलिए हमें डायरेक्ट चेक नहीं करना है कि अगर 33 हमारा नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा तो ऑप्शन बी ही होगा। कई बार वो नन ऑफ दीज की तरफ भी चला जाता है। सी से एफ तक जाएंगे तो कितना गए, एक दो और तीन गए, ठीक है जी तीन गए। एफ से आई तक जाना है, एक दो तीन गए, ठीक है। आई से एल तक जाना है, एक दो तीन, इसमें भी आगे हम कितना गए तीन, तो एल से तीन आगे जाएंगे, एक दो तीन, ओ ही आएगा, 33 ओ ही हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखने से ही हमें पता चल रहा है क्या राइट आंसर आएगा। अगर आप इसमें से नंबर या अल्फाबेट में से किसी भी एक सीक्वेंस का पता लगा लें तो डायरेक्ट आपके पास आंसर यहां पे देखने को मिलेगा। 16, 25, 36, 49 डायरेक्ट क्या है, स्क्वेयर है, तो भूलना नहीं है आपको। 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, तो अगला आएगा 8 का स्क्वेयर 64। 8 का स्क्वेयर 64, 64 वाला ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो आपको कुछ भी अल्फाबेट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को भी। यहां पे फिर से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन टाइपिंग में। यहां पे 19 होगा, 19 नहीं सॉरी I9 है यहां पे। तो नंबर को आप चेक करें, 3 का डबल 6, 6 का डबल 9, सॉरी यहाँ पे डबल नहीं, +3 का पैटर्न चला है। 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 और 3 कितने 12, तो लास्ट में क्या आएगा 12। अब देखिए, अब क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन कितने हैं, 12 12 वाले हैं, तो हमें अल्फाबेट को भी चेक करना होगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट का कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट के साथ ही किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। X F W I, यहां पे है कितना 3, यहां पे है 6, यहां पे है 9। यहां पे मैंने नंबर का तो चेक कर लिया कितना आएगा 12। अब बाय का कंपैरिजन किसके साथ, एक्स के साथ। यहां पे देखिए, बाय से पीछे एक्स, -1 चले गए, एक्स के पीछे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के पीछे क्या आएगा, वी, तो पहले नंबर पे तो आएगा वी। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी वी वी वाले हैं, तो हमें चेक करने की जरूरत तो है। अब सी का कंपैरिजन एफ के साथ, सी, फिर डी ई एफ तीन आगे गए, एफ का आई के साथ, जी एच आई फिर से तीन आगे गए, तो आई से भी तीन आगे जाएंगे, जे के एल ये आएगा एल, वी एल 12, वी एल 12, ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। फर्स्ट अल्फाबेट का कंपैरिजन फर्स्ट के साथ ही किया जाता है, नंबर का कंपैरिजन नंबर के साथ ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो नंबर को नंबर के साथ करना है आपने, ये आपको ध्यान में रखना है। 12 और 12 24, 24 और 12 36, तो 36 और 12 कितने 48, +12 का पैटर्न आपको देखने को मिल गया, ठीक है। 12 और 12 24, फिर 24 और 12 36, फिर 36 और 12 कितने 48, 48 तो मिल गया। उसके बाद ए का कंपैरिजन किया सी के साथ, ए को सी के साथ करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बी और सी, +2 आगे जाएंगे। सी का करेंगे ई के साथ, एक दो, इसमें भी दो आगे जाएंगे, ई का एक और दो, जी आएगा 48G। 48G वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद भी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। 6, 6 को 4 के साथ कंपेयर करना है, 6 में से 2 चले गए 4, 4 में से 2 चले गए 2, 2 में से 2 चले गए तो आएगा 0, तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो फिट यहां पे हो रहा है। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, यहां पर क्या राइट आंसर रहेगा इसका। अच्छा प्रश्न आपके पास दिया गया है, यहां पे आप देखेंगे तो नंबर को नंबर के साथ करें पहले, 3 × 3 9, 9 × 3 कितने 27, 27 × 3 कितने 81, तो पहला नंबर तो आएगा 81, ठीक है ये तो फिट हो गया। उसके बाद अल्फाबेट को चेक करें, एल से एन तक जाना है,
एक और दो, दो आगे चले गए, एन से पी तक जाना है, एन से पी जब हम जाएंगे तो एक और दो, दो आगे चले गए, तो यहां पर भी पी से ही दो आगे हमें जाना है, तो पी से जब दो आगे जाएंगे तो क्या आएगा, एक और दो आर, 81 आर। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है रहेगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न आपके पास, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बीच में से एक वैल्यू को छोड़ सकते हैं इजीली, क्योंकि यहां पे 22 है, फिर 2 है, फिर 24 है, फिर 4 है, तो इसलिए इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, 22 में से 2 चले गए 24, 24 में से सॉरी 22 और 2 कितने 24, 24 और 2 26, तो 26 और 2 कितने 28, यहां पे आएगा 28 वाली टर्म, लेकिन हमें गैप वाली टर्म निकालनी है, तो 2 और 2 4, 4 और 2 कितना आएगा 6 आ गया। अब जेड का कंपैरिजन बाय के साथ, तो जेड का कंपैरिजन बाय के साथ, एक पीछे बाय का, फिर एक पीछे एक्स, तो 6x। ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इसको हम देखते हैं कैसे हमें करना है, ये अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ, एन फिर ओ फिर पी, तो अगला क्या आएगा जी, क्यू आ गया, ठीक है, फिर आ गया 14, फिर आ गया 15, फिर आ गया 16, तो उसके बाद क्या आएगा 17। आपको ऐसा नहीं करना कि इस 14 का कंपैरिजन किसी लास्ट के साथ कर दिया, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एम, एम के पीछे एल, एल के पीछे के पीछे जे, फिर 13, फिर 12, फिर कितना 11, 11 के पीछे कितना 10, तो आंसर आएगा Q17J10, Q17J10। कौन सा आंसर है जी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा गया है N14, M13। एक क्वेश्चन में और भी हमारे जो है वो पैटर्न जो है वो अप्लाई हो सकते हैं, आप किसी को भी ट्राई करके जो है वो देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पहले अल्फाबेट का कंपैरिजन इस पहले के साथ ही करना है, इस नंबर का कंपैरिजन, ये नंबर कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान वाले से ही कंपैरिजन करना है। ये एम स्टार्टिंग से 1 2 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर वाले से ही इसका कंपैरिजन करना है, लास्ट को लास्ट के साथ ही कंपैरिजन करना है, तभी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 4 और 3 कितने 7, 7 और 3 कितने 10, 10 और 3 कितने 13, तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 16 वाला आंसर तो कौन सा है जी? ऑप्शन ए और बी। आगे चेक करना ही पड़ेगा, आर और पी का कंपैरिजन करें, आर से 1 और 2, दो पीछे चले गए, पी और एन, पी से एन, 1 और 2 पीछे चले गए, एन से एल देखो, एन से 1 2 पीछे चले गए, तो सब में 2 पीछे जा रहे हैं, तो एल से भी 2 पीछे जाएंगे के और जे, तो 16J, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। साथ में आपको नोट्स जो है वो इसके बनाकर ही चलना है, तभी आपकी तैयारी जो है वो 100% जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो पाएगी। अगला प्रश्न है, इजी है, R फिर S T U, तो अगला क्या आएगा, V, उसके बाद है 18, तो 19, 20, 21, तो यहाँ पे क्या आएगा 22, U 22, U 22 कौन सा है, तो यहाँ पे सॉरी V 22, ओ U नहीं, V 22, V 22 कौन सा, ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 4 और 2 कितने 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, तो पैटर्न तो मिल गया, +2 +4 +6, तो अगला +8, 16 और 8 कितने होते हैं 24, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 24 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। U को V के साथ किया, एक आगे गए, V को W के साथ एक आगे गए,
डब्ल्यू में एक आगे गए तो एक्स आएगा, एक्स से एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा, बाय आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 24/2। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, जस्ट सेकेंड। हाँ यहाँ पे जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है, हाँ वो दिया क्या है, x23w। तो x को किसके साथ कंपेयर करना है, v के साथ। तो एक दो पीछे गए तो v के दो पीछे क्या आएगा, एक और दो t आएगा। फिर 23 से दो पीछे गए 21, 21 से दो पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 19। फिर W और U को देखिए, W के एक और दो पीछे गए U, एक और दो पीछे गए तो आएगा S, T19S। ऑप्शन D हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, T19S। अगला प्रश्न है, इसको आप कंपेयर करें 12 और 12 24, यानी कि प्लस 12 किए, फिर 24 और 12 कितने, 36। तो 36 और 12 कितने होते हैं जी, 36 और 12 हो गए 48। तो नंबर का कंपैरिजन तो हो गया। सी सी से आगे जाएंगे डी ई, दो आगे चले गए, ई से जी एक और दो, फिर से दो आगे चले गए, तो जी में भी दो आगे जाएंगे एच और आई। तो 48i वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ए और सी, कुछ भी हो सकता है अभी तक। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को भी कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम आंसर जो है वो इसका निकाल सकते हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 कितने, 9। 48i9, 48i9 ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, 48i9, ये राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, ये इजी है, 20 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 कितने, 28। तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 28h क्या है हमारा राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न, जब भी आप नंबर को चेक करते हैं तो नंबर से ज्यादा आपको हिंट मिलता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 15 15 और 3 कितने, 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 कितने, 27। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्या है, यहाँ ऑप्शन एक में ही आपके पास गिवन है 27, तो यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर आप फिर भी अल्फाबेट को चेक करना चाहते हैं तो चेक करिए, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट में भी आपका सेम 3 का ही रूल अप्लाई हो, इसमें कोई अनदर रूल भी अप्लाई हो सकता है। तो टी को आर से कंपेयर कीजिए, एक और दो पीछे जाना पड़ेगा, दो पीछे गए, आर और पी, आर से पी एक और दो पीछे गए, पी से एन तक जाना है तो एक और दो पीछे जाएंगे तब एन आएगा, एन से दो पीछे जाएंगे एक और दो तो क्या आएगा, एल। तो ऊपर वाले में क्या पैटर्न चला है, -2 का, और नीचे वाले में चला है +3 का। तो 27L ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा रहेगा। अगला प्रश्न है, इसको आप ट्राई करें क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहां पे जो है आपके पास पूछा गया है, डबल गैप यहाँ पे होगा, आपके पास दो गैप आपसे पूछे गए हैं, एक ये वाला गैप है और एक ये वाला गैप है। तो क्या क्या आंसर आपके पास बनेंगे, सी, फिर सी से ई तक जाना है तो एक और दो, दो आगे चले गए, ई से जी तक जाना है एक और दो, फिर जी से आई तक देखिए एच आई, दो आगे जाए, आई से भी दो आगे जाना है जे और के आ गया, के से भी दो आगे जाना है एल और एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम। फिर नंबर को चेक करें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2
K11 आएगा, और 11 और 2 कितने 13, तो K11M13, K11M13 ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी हमारा डबल गैप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी आप नंबर को अगर चेक कर लेते हैं तो आगे आपको जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा चेक करने की। 11 और 2 कितने 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 कितने 19, और 19 और 2 कितने 21। 19 और 21 वाला कौन सा है? ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर है। जे से एल तक जाएंगे, तो जे से जब आप एल जाएंगे तो कितना आगे गए? 2 आगे गए। एल से एन जाएंगे, 1 और 2 आगे गए, ठीक है। और एन से पी जाएंगे, ओ और पी 2 आगे गए आप यहाँ पर भी। उसके बाद पी से 2 आगे जाएंगे, क्यू और आर, तो आर 19 आ जाएगा पहले। आर से 2 आगे जाएंगे, एस टी, तो टी 21 आ जाएगा। तो आर 19 टी 21 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, आपको इसमें सीक्वेंस बतानी है, कौन सा सीक्वेंस आपका चला है? 3 और 3 6, 6 और 5 कितने 11, 11 और 7 कितने 18। पैटर्न क्या चला है? 3, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9, तो 18 और 9 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे, ठीक है। 27 वाला ऑप्शन 2 है, तो हमें अल्फाबेट को चेक करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ही। तो जी को एच के साथ कंपेयर किया, जी के आगे आता है एच, यानी कि कितना गए? प्लस 1 गए पहले। तो उसके बाद एच से जे देखिए, एच से जे तक जाना है, आई आई और जे, यानी कि 2 आगे गए। फिर जे से एम, जे से के एल एम, 3 आगे गए। तो पैटर्न क्या मिला? पहले प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, तो अगले में क्या होगा? प्लस 4। एम से 4 आगे जाएंगे, एन ओ पी क्यू, तो क्या आएगा? 27Q। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न मिक्स अल्फाबेट की सीरीज का, इसमें आप चेक करें बाय को W के साथ, तो बाय से W, X और W 2 पीछे चले गए, ठीक है। W को U से करें, 1 और 2 फिर से पीछे गए। U को S के साथ करना है, तो 1 और 2, तब ऐसा आएगा, माइनस 2 का पैटर्न चला है। S से भी 2 पीछे जाएंगे, R और Q, तो पहले नंबर पे आ गया Q, तो Q वाले 2 ऑप्शन है, तो नंबर को चेक करना है। 25 में से आपके कितने? 25 में से 2 चले गए 23, 23 में से 2 चले गए 21, 21 में से 2 चले गए 19, 19 में से 2 चले गए तो कितने आ गए? 17, तो क्यू 17। ऑप्शन सी जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे क्लियर हुए हैं। सो हमारा मिक्स अल्फाबेट सीरीज का एक बिल्कुल छोटा सा एक सेशन था, छोटी सी एक क्लास थी, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए एक चांस है कि पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी है, अपने फ्रेंड्स को भी आप ज़रूर बताएं। विजयपथ ऐप आप डाउनलोड करें और उसमें आप हमारी पेड क्लासेस को जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।